गुरु जी, आपके एक वीडियो में बताया था कि जप माला के बाद तुरंत गले में धारण करनी चाहिए ताकि उनका पूरा फल हमें मिले प्राप्त हो। तो जो लोग काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, वो उनको पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो? और क्या काउंटिंग मशीन का फल हमें माला जप के जितना ही मिलता है या उनसे कम मिलता है? धन्यवाद गुरु जी। जैसे माला पर आप जप करते हैं तो उसको सुमेरु को नहीं लांघते हैं, तो उसका बीच का हिस्सा जिसमें जहाँ गांठ लगती है उसको सुमेरु बोलते हैं, उसको पार नहीं करते हैं, वहाँ से वापस माला को फिर से पुनरुक्त करके उसका जाप करना होता है। बहुत सारे जाप ऐसे होते हैं जो अजपे जाप होते हैं, तो या कुछ सस्वर भी होते हैं। अजपा होता है जो मन मन में आप करते हैं, आपकी जीभ का पहला हिस्सा आपके तालू को टच करता है, ऊपर करके टच करते हैं और फिर उसको जैसे जो विशेष रूप से तंत्र के मंत्र हैं उनमें आता है, शाबर मंत्रों में भी आता है और जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के मंत्र हैं उनमें भी इस मुद्रा का प्रयोग हम करते हैं। तो आप माला को नीचे ना रखें, गले में पहन लें जब उस पर जाप करते हैं। और जो काउंटर की बात आपने की, काउंटर तो देखिए काउंटिंग का काम करता है लेकिन माला पर्टिकुलरली अपने आप में काम करती है। जैसे हमसे पूछा था मनदीप ने कि कुबेर का किस पर जाप करें, तो मैंने उनको बोला एमेथिस्ट पर, ये सॉरी ओनेक्स पर कर लें या क्रिस्टल पर कर लें या पन्ने की माला पर कर लें, एमराल्ड की माला पर कर लें। तो अगर ये मालाएं आप करते हैं तो ये मालाएं चार्ज हो जाती हैं, क्योंकि ये रत्न जो हैं ये पर्टिकुलर ऊर्जा को पकड़ते हैं। और जब उस निश्चित देव का, उस निश्चित देवी देवता का आप जाप कर रहे होते हैं और फिर उसको माला को धारण करते हैं तो अलग तरह का काम करती है। काउंटर में ये चीज़ एक मिस हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हैं तो शारीरिक रूप से बीमार हैं या उनकी अवस्था ऐसी है तो एक अलग बात हो जाती है, उसमें तो उनके लिए अपवाद हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि माला पर जाप कर रहे हैं तो उसको पहन लें, माला पर ही जाप करें, क्योंकि वो माला फिर आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। माला नहीं है तो जनेऊ में, यज्ञोपवीत में आप गांठे लगा करके उसको एक माला बनाकर, या उस तरह से फिर यज्ञोपवीत अलग पहने और उस धागे पर भी माला लगा कर, गांठ लगा करके हम मन के बना करके जाप कर सकते हैं, फिर वो काम करती है और वो हमारे जीवन में अच्छा हो रखती है। तो आप ऐसा जरूर करें, चूँकि उसका फल फिर आपको, जो काउंटर है इससे हम काउंटिंग करते हैं गणनक, उसके में और माला के जाप में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आर्याम अभयाम भयम भज रे।